बटेंगे तो कटेंगे। देखिए ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है। सीएम योगी का हरियाणा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का दिया बयान चुनावी मंत्र बन गया है और यूपी चुनाव में भी ये बयान सुर्खियों में है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी इसी बयान की काट के तौर पर नए नए पोस्टरों के जरिए अपने वोट बैंक की एकजुटता की बात कही जा रही है। एक बार फिर एसपी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें दावा किया गया कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। समाजवादी पार्टी की कोशिश है वो किसी भी तरह से अपने पीडीए के वोट बैंक को बनाए रखे क्योंकि इसी के जरिए उसे लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली थी, लिहाजा एक के बाद एक इस तरह के पोस्टर लगाकर वो अपने वोट बैंक को बनाए रखने की कवायद में जुट गई है और जीत के फॉर्मूले के तौर पर इस बार भी पीडीए पर ही दाम लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी एसपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया था जिसमें ना बटेंगे ना कटेंगे का नारा दिया गया। इसके बाद दिवाली के मौके पर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लगाए गए पोस्टर में लिखा गया जुड़ेंगे तो जीतेंगे और अब पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी वाला पोस्टर छप चुका है। दरअसल हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान का असर दिखा, वहां जीत मिली तो इसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी आजमाया जा रहा है। मुंबई की सड़कों पर सीएम योगी के बयान के पोस्टर लगा दिए गए जिसका साइड इफेक्ट अब यूपी की सियासत में नजर आ रहा है। हमेशा की तरह वही हिंदू मुस्लिम वही बांटो और राज करो की जो राजनीति है वो चलाना चाह रही है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि इन नारों से ऐसी मानसिकता से वो दूर रहना चाहती। उपचुनाव के लिए यूपी में शुरू हुई इस पोस्टर वॉर के जरिए समाजवादी पार्टी हमलावर हुई तो बीजेपी ने भी सियासी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हैं। समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि कैसे जाति मजहब के समीकरणों को साधे, कैसे सबको साथ लेकर के चल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक MY का समीकरण गढ़ने वाले जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है और इसीलिए रोज नए नए नारे खोज रहे हैं। यूपी में जारी पोस्टर वॉर पर बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने दावा किया कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में ये हो गई है, फूट डालो राज करो, इसीलिए अब हम ये नहीं होने देंगे और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब जागा हुआ हिंदू है 1947 का हिंदू नहीं है, ये 2024 का हिंदू है। बटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे तय है, अच्छा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।